हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि गठिये के पेशेंट को, यानी कि अर्थराइटिस, जॉइंट पेन जिनको भी है, उनको कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें उनके लिए ख़तरनाक हैं। इस बारे में पहले ये बता दिया जाए कि अर्थराइटिस की जो बीमारी होती है बॉडी में यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है। हमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खानी है जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो या फिर जो बॉडी में यूरिक एसिड को पैदा करता हो। यूरिक एसिड के कारण ही जॉइंट पेन होता है और बढ़ता है। अब जानते हैं कि कौन सा आहार, कौन से फूड हमें खाने हैं। जिनको भी जॉइंट पेन है वो अपने आहार में केला, दलिया और ड्राई फ्रूट शामिल करें। जॉइंट पेन के पेशेंट को मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। उन्हें मेथी को दरदरा पीस कर उसे मॉर्निंग में पानी के साथ लेना फ़ायदेमंद है। सर्दियों में उन्हें 1-2 चम्मच लेने चाहिए और गर्मियों में 1 चम्मच, क्योंकि इसकी तहसीर, यानी मेथी दाने की जो तहसीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसकी क्वांटिटी को आधा कर देना चाहिए। उसके बाद बात आती है अदरक की, यानी कि जिंजर। जिंजर के सेवन से हड्डियों की सूजन कम होती है, इसीलिए आहार में लेकिन अपनी सब्जी में अदरक ज़रूर डालें। हो सके तो 1-2 छोटे छोटे पीस अदरक को कच्चे भी खाएं, इससे हड्डियाँ की सूजन कम होती है, उनकी स्वेलिंग कम होती है। इसके बाद बात करते हैं कद्दू की, यानी पंपकिन। कद्दू में खूब सारा कैरोटीन होता है जो जोड़ों की सूजन को कम करता है, इसलिए अपने आहार में कद्दू जरूर शामिल करें, यानी आप हफ्ते में 3 या 4 बार कद्दू की सब्जी ज़रूर खाएँ। संतरा, संतरा यानी विटामिन सी। विटामिन सी युक्त जो आहार हैं उनका सेवन करें, जो स्वास्थ्यवर्धक कोलाजिन होता है इसके अंदर। विटामिन सी से हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा आप सुबह में जो धूप आती है, जब सूरज उगता है, उस टाइम की जो 15-20 मिनट की धूप होती है बहुत धीमी होती है, उसे ज़रूर लेना चाहिए, चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों। इसे लेने से विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा हल्दी यानी टर्मरिक का सेवन करें, इसे खाने से दर्द भी कम होता है और स्वेलिंग भी कम होती है। इसके बाद आती है स्ट्रॉबेरी यानी कि चेरी, इसे खाएं। इसमें एथोकाइनिन होता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे जोड़ मजबूत बन जाते हैं और दर्द कम होता है। इसके अलावा गार्लिक यानी कि लहसुन खाएं, खूब सारा पानी पिएं, बथुए का जूस पिएं और नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, कार्डियो, कुछ भी वर्कआउट करें। इसे करने से सेहत अच्छी रहती है। अगर आपका पेन एक्सेस है तो डॉक्टर से परामर्श यानी सलाह ज़रूर ले लें। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन से आहार से बचना चाहिए, कौन से आहार अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए खतरनाक हैं। इस बारे में पालक, पालक और साग वैसे तो बहुत गुणकारी होते हैं। इसमें बहुत सारा लोहा होता है यानी आयरन होता है, जो खून की कमी को दूर करता है, यानी एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होने देता। जो नॉर्मल लोग हैं वो पालक और साग का सेवन ज़रूर करें, उन्हें अच्छे से धोकर, क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड बहुत होते हैं। पेस्टिसाइड को कैसे उतारना है, इसके लिए किसी फ्रूट से, ग्रीन वेजिस से या फिर मीट वगैरह से, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, जिससे पेस्टिसाइड से भी बचा जाए और उसके इफ़ेक्ट से भी बचा जाए और जो वेजेस हैं उनके गुड इफ़ेक्ट्स हमें मिल पाएँ। अब बात करते हैं पालक की। पालक में गठिये के लिए बहुत हानिकारक है। पालक में ऑक्सीजेनिक एसिड
कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे गठिये के रोगियों में पालक के सेवन से जोड़ों में यूरिक एसिड और कैल्शियम का संचार अधिक होने लगता है। इसीलिए अर्थराइटिस के पेशेंट पालक और साग का सेवन नहीं करें। इसके बाद बात करते हैं फूलगोभी यानी कैबेज, मटर, सेम और अन्य फलियों की। ये नहीं कहते कि इन चीज़ों को खाना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे गुणकारी तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन इनका सेवन कम करें जिनको अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा नहीं करें। इसके अंदर प्यूरिनिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो प्यूरिनिस होता है बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को पैदा करता है, इसीलिए आप इनका सेवन कम मात्रा में करें। अगर इसको कच्चा और कम मात्रा में खा सकें तो बेटर है, यह इतने हानिकारक नहीं होते। फिर इसके बाद बात करते हैं शराब और सॉफ्ट ड्रिंक की। आर्थराइटिस के मरीजों को शराब और सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल, खासतौर पर बियर, शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है और शरीर से गैर जरूरी तत्व निकालने में शरीर को रोकता है, यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वो नहीं निकल पाते। इस तरह सॉफ्ट ड्रिंक, खासतौर पर मीठे पेय और सोडा में फ्रक्टोज नामक तत्व होता है जो शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा बात करते हैं टमाटर की। टमाटर हमारे शरीर के लिए वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन यह अर्थराइटिस के दर्द को बढ़ाता भी है। टमाटर में कुछ ऐसे रासायनिक घटक पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गठिये के दर्द को बढ़ाकर जोड़ों में सूजन पैदा कर देते हैं, इसीलिए टमाटर का सेवन नहीं करें। टमाटर का सेवन उन लोगों ने भी नहीं करना जिनको सिर में बहुत दर्द रहता है। इसके अलावा टमाटर किन लोगों ने नहीं खाना, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि किन लोगों ने टमाटर का सेवन नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं मशरूम की। जैसा हम सभी जानते हैं कि मशरूम प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें प्यूरिनस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आर्थराइटिस के पेशेंट को मशरूम नहीं खानी चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, तो इसे थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट बनाता है जिससे दर्द बढ़ता है, साथ ही यह शरीर के जरूरी पोषक तत्वों को भी सोख लेता है। अब बात करते हैं मछली की। अर्थराइटिस होने पर ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त कोई भी फूड नहीं खाना, और मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मछली का सेवन करने से अर्थराइटिस का दर्द बढ़ जाता है। मछली में अधिक मात्रा में प्यूरिनी पाया जाता है। प्यूरिन हमारे शरीर में ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा करता है। यूरिक एसिड ही गठिये का मेन रीज़न है। मीट, हर प्रकार के मीट में प्यूरिनिस की मात्रा ज़्यादा होती है। रेड मीट जैसे गाय, भैंस, सुअर इत्यादि गठिये के रोगियों को नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि वाइट मीट जैसे चिकन में भी प्यूरिनिस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए जहाँ तक हो सके इन्हें ना खाएं, ताकि अर्थराइटिस का दर्द आपको ना सहना पड़े। इसके बाद बात करते हैं शुगर युक्त आहार की। गठिये के मरीजों को चीनी और मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। शुगर का अधिक सेवन करने से शरीर के कुछ प्रोटीन्स का हानस होता है, कम हो जाते हैं, यह आपके गठिये के दर्द को भी बढ़ा देते हैं, इसीलिए गठिया होने पर शुगर और शुगर युक्त आहार नहीं लेने चाहिए। वैसे भी अर्थराइटिस के पेशेंट को अपनी फैट कंट्रोल में रखनी चाहिए, यानी कि मोटापा उनके लिए बहुत खतरनाक है। मोटापा होने पर ज्वाइंट पेन और बढ़ जाता है,
इसीलिए उनको अपना वेट जो होता है वो कंट्रोल में ही रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डायरी प्रोडक्ट की, यानी कि दूध और दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं वो अर्थराइटिस के दर्द को बढ़ा देती हैं, क्योंकि दूध में भारी मात्रा में प्यूरिनी पाया जाता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जैसे पनीर, बटर आदि में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जोड़ों के आसपास मौजूद उत्तकों को, जो जोड़ों अपने जॉइंट्स होते हैं उनके साइड पे ऐसे उत्तक होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से जॉइंट पेन बढ़ता है। इसीलिए अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको दूध से बने प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा उन्हें बैंगन और आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये दर्द को बढ़ाता है। और मिर्च का सेवन कम करना चाहिए ताकि दर्द कम महसूस हो सके। ये थी इन्फॉर्मेशन अर्थराइटिस के पेशेंट को कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।